अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आफ्ताब फरीदी और इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ब्लॉगर के बारे में जो है इंटरनेशनल ब्लॉगर ड्रू नाम है उसका और 162 कंट्रीज उसने विजिट किए हैं। कुछ वीक्स हुए हैं यहां पर पाकिस्तान में, मैं लेट हुआ मुझे पता है इसलिए कि मेरे एग्जाम्स है और मैं और भी बिजी रूटीन पे हूं, तो इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया ब्लॉगिंग। तो ये है उसका इंस्टाग्राम अकाउंट और मैं ये कहना चाहता था कि हमें ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके वीडियोस पर ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए जैसे कि लिखे कि ही इज़ विजिटिंग पाकिस्तान फॉर गेटिंग व्यूज़। तो ये कमेंट्स अच्छे नहीं है। अगर वो विज़िट कर रहा है, वो पाकिस्तान सिर्फ विज़िट नहीं कर रहा, बहुत सारे मुल्क विज़िट कर रहा है, तो अगर हमारे भी मुल्क को विज़िट कर रहा है तो हमें खुश होना चाहिए इसलिए कि इतने बड़ी लिस्ट में उसके पास ये भी है और दूसरे लोगों के लिए पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री दिखती है। तो ये उसने बहुत बड़ा दिल किया कि वो पाकिस्तान आया और सारे लोगों के लिए उसने प्रूफ किया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री नहीं है। मुझे उसकी एक बात बहुत पसंद आई जिसमें उसने कहा कि अगर एक टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाए मुल्क में तो 255 मिलियन पीपल को या 260 मिलियन पीपल को सारे उन पे टैग लग जाता है टेररिस्ट का। ये बहुत गलत बात है, टेररिज्म हर कंट्री में होती है और कुछ शो करते कुछ शो नहीं करते, लेकिन ये मतलब नहीं कि सारे लोग उस कंट्री में टेररिस्ट बन जाते हैं। तो मुझे ये बात बहुत पसंद आई और एक वो बहुत इंप्रेस हुआ है हॉस्पिटैलिटी की वजह से। उसने कुछ वीडियोस भी बनाए और हर वीडियो में बस वो कहता है कि ये हॉस्पिटेबल लोग हैं और बहुत पसंद आए पाकिस्तानी लोग। तो हमें ये इमेज ख़राब नहीं करना चाहिए इसलिए कि अभी उसके जो सारे व्यूवर्स हैं सारों को पता चला कि पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे कमेंट जो मैंने रीड किए ना तो लोग इंकरेज हो गए पाकिस्तान विज़िट करने में और ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने ये भी बहुत नोट किया है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियन लोग हैं उसके वीडियोज़ में जो भी पाकिस्तान से इंप्रेस हुआ है। तो हमें नहीं चाहिए कि उन लोगों को ख़राब जवाब दे, तो जो लव वो शो कर रहे हैं तो हमें भी लव शो करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और इंकरेज करना चाहिए। अगर इंडियन लोग पाकिस्तान विज़िट करना चाहते हैं तो विज़िट करें, जैसे और लोगों के लिए हॉस्पिटेबल है तो इंडियन लोगों के लिए भी हॉस्पिटेबल होना चाहिए। लेकिन एक बात है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो है हमारे अपने लोग अपने ब्लॉगर्स को सपोर्ट नहीं देते, ये क्लियर है। मैं इसमें कुछ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं मतलब मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ये एक बात है बहुत ब्लॉगर्स है पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई उन्हें सपोर्ट दे भी नहीं रहा है। क्यों? शायद जेलिसी होगी, शायद उनका कंटेंट क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होगा या शायद और मसला होगा, लेकिन फिर भी सपोर्ट देना चाहिए। अगर एक बंदा है वो कोशिश कर रहा है 100 में पहुंच गया है तो वो ये उम्मीद करेगा कि शायद मैं 1000 में पहुंच जाऊँ। तो अगर वो अपने व्यूअर्स को हैप्पी करना चाहता है तो वो जाहिर बात है कि अपनी कंटेंट क्वालिटी को और भी इंप्रूव करेगा, इसलिए कि वो चाहता है कि उसके व्यूअर्स और भी खुश हो जाए। तो अगर आप उनको सब्सक्राइब करें ही ना और उसके ऊपर आप उनकी वीडियोज़ पर लिख दो कि बकवास और वो ये चीज़ें, तो फिर वो डिस्करेज हो जाते हैं। और बहुत से चैनल्स मैंने देखे हैं जो बीच में ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है अगर ये ब्लॉगर्स ना होते तो हमारे ये साइड ऑफ पाकिस्तान कोई भी ना दिखाता, क्योंकि ये मीडिया वाले तो वैसे भी अच्छा फेस नहीं दिखाएंगे। लोग सोचते हैं कि सारा पाकिस्तान एक वार जोन होगा, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, वो आपको पता है जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें पता होती है ऐसी बातों का। तो अपने ब्लॉगर्स को भी सपोर्ट करो, आप जब भी कोई पाकिस्तानी ब्लॉगर देखो ना जो कोशिश कर रहा हो पाकिस्तान को दिखा रहा हो तो आप उन्हें लाइक सब्सक्राइब करें क्योंकि वो इनकरेज है। अपनी बात मैं नहीं कर रहा, अभी फिर से बता रहा हूँ अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए। और हाँ, मुझे पता है अभी ये कुछ लोग होंगे जो कमेंट लिख रहे होंगे कि पहले उर्दू सीखो या कुछ और, उर्दू मुझे नहीं आती वो आप लोग को पता है अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसलिए कि हमारे लोगों को उर्दू में ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं भी उर्दू में ट्राई कर रहा हूँ। उर्दू क्यों नहीं आती वो एक बहुत लंबा किस्सा है, तो वो नहीं बता सकता अभी, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है इसके साथ आपको काम है कि मुझे उर्दू क्यों नहीं आती फिर इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। लेकिन बस सिंपल सी बात है, कोशिश कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, ब्लॉग्स बना रहा हूँ उर्दू में इसलिए कि आप लोगों से भी सीखूँगा, दूसरे उर्दू ब्लॉग्स भी देखूँगा तो अल्फाज में इजाफा हो जाएगा मेरा। सिनेमैटिक्स कहाँ पर चले गए, यह है सिनेमैटिक्स, बात सुनो ये सिनेमैटिक्स कहाँ से आ गए, ये क्रिकेट इवेंट किसी सिनेमैटिक्स में।
तो व्लॉग खत्म हो गया, ठीक है। इफ लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। पीस आउट, खुदा हाफिज़।